हम में से कोई भी कॉर्पोरल लॉरेंस को कुछ खास पसंद नहीं करता था। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने भी उससे दोस्ती करने की कोशिश नहीं करी, बल्कि वो बस काफ़ी अजीब किस्म का इंसान था। पर वर्ल्ड वॉर वन की लड़ाई के वक्त सभी जवानों की तरह वो भी लड़ता, सीनियर्स के ऑर्डर मानता और वो औरों को किसी भी तरीके से परेशान नहीं करता था। वर्ल्ड वॉर वन के दौरान हम सब सिर्फ जिंदा बचना चाहते थे और उसका थोड़ा सा अजीब व्यवहार हमारी परेशानियों में से सबसे छोटी थी। लेकिन जैसे किसी अंधे आदमी को दुनिया के रंगों से फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ही लॉरेंस को हमेशा की तरह इन चीज़ों से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता था। लॉरेंस हमेशा ही घंटों तक बस चुपचाप एक जगह पर बैठा रहता था, क्योंकि उसके पास कोई बात करने के लिए नहीं था। 3-4 किलोमीटर दूर हमारे दुश्मनों का कैंप कुछ एक हफ्ते से शांत पड़ गया था, जिसकी वजह से हम सभी का ध्यान लॉरेंस पर ज़्यादा जाने लगा था। हम सभी को उसके आसपास होने से अब अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी थी। आज तक किसी ने भी उसको ऊंची आवाज़ में बात करते हुए तक नहीं सुना। चिल्लाना छोड़ो, किसी ने कभी उसे हंसते हुए, खुश या उदास होते हुए भी नहीं देखा। उसकी अजीब हरकतों में से एक उसका लोगों को कुछ मिनट तक घूर घूर के देखना था। वो ज़्यादातर रातें सोता नहीं था और बस नींद में पूरी रात कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता था। कभी कभार जब आसपास के सिपाहियों को कुछ बातें समझ आती तो वो जो चीज़ें बोल रहा होता वो काफ़ी भयानक होती थी। एक सिपाही ने तो अपना टेंट ही बदल लिया जब उसने कॉर्पोरल लॉरेंस की ज़ुबान से बड़बड़ाते हुए अपनी बेटी का नाम सुना, जिसके बाद कॉर्पोरल लॉरेंस धीरे धीरे हंसने लग गया। काफ़ी सिपाहियों का मानना था कि उसको कैंप से बाहर निकालने के लिए ही उसको दुश्मनों के कैंप की तरफ भेजा गया था। लॉरेंस के साथ 14 और सिपाहियों को दुश्मन के इलाके की जांच करने के लिए और अगर मुमकिन हुआ तो कब्ज़ा करने के लिए भेजा गया था। अब जब कॉर्पोरल लॉरेंस अपने कैंप में नहीं था तो बाकी सिपाहियों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया था। लॉरेंस ने कभी भी अपने घर या परिवार के बारे में बात नहीं करी। उसके लिए आज तक कोई चिट्ठी नहीं आई और ना ही उसने कभी किसी को कोई खत भेजा। ये सवाल जवाब अब कैंप के सीनियर्स तक पहुँच चुके थे, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी उसके आर्मी में यहाँ होने के ऑर्डर्स किसी को नहीं मिले। ये सबको याद था कि वो फ्रांस से मदद के लिए आए सिपाहियों की टोली के साथ आया था, लेकिन लॉरेंस की जानकारी की कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं थी। फ्रांस से आई टोली के बाकी सिपाहियों ने भी यही बताया कि उसको उनके साथ यहाँ आने से एक रात पहले ही डाला गया था और उससे पहले किसी ने भी उसको कभी नहीं देखा था। कॉर्पोरल के श्रापित होने की अफवाहें अब कैंप में फैलना शुरू हो गई थी। उसके आसपास के सिपाहियों को गहरी चोटों या बीमारियों का सामना करना पड़ा था और उसके टेंट में से हमेशा एक अजीब सी मिट्टी, आग और पसीने की मिली जुली बदबू आती थी। लॉरेंस के साथ दुश्मन के इलाके की तरफ भेजे गए सिपाहियों को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। उनकी नज़रों में लॉरेंस उन्हीं की तरह लाखों लोगों में से एक था जो कभी भी मौत के पैगाम में बदल सकता था। वो सभी तेज़ी से लेकिन छुपते हुए आगे बढ़े जा रहे थे, कभी मिट्टियों में रेंगते हुए तो कभी दीवारों पर टापते हुए। अब वो दुश्मनों के इलाके के पास पहुँच गए थे। दुश्मन के इलाके में पहुँचते ही उनका स्वागत जर्मन सिपाहियों की गोलियों ने नहीं बल्कि एक अजीब से सन्नाटे ने किया। ये सोचकर कि ये एक चाल ना हो, सभी सिपाही घबराते हुए धीरे धीरे पूरे इलाके की तलाशी ले रहे थे। सभी सिपाहियों को दीवारों की दरारों में और कमरे के अंधेरे कोनों में एक अजीब सा बदबूदार चिपचिपा काले रंग का कीचड़ दिखाई दिया, जिसको छूने पर शरीर पे खुजली शुरू हो जाती थी। प्राइवेट डिक्सन को वहाँ पर पहली लाश मिली, जिसको देखते ही उसको उल्टी आ गई। देखने से समझ आ रहा था ये किसी आदमी की हड्डियाँ थी। उस लाश की हड्डियाँ पूरे कमरे में इधर उधर पड़ी हुई थी और शरीर के ऊपर का मांस पूरे कमरे में ज़मीन पे किसी तरह से रगड़ा हुआ था। दरवाजे के ठीक सामने रखे सबसे लंबे बिस्तर पर एक खोपड़ी पड़ी हुई थी जो कि मानो उन्हीं की तरफ देख रही थी। इस कैंप पे ऐसी सिर्फ ये एक लाश नहीं बल्कि ऐसी कई लाशों की हड्डियाँ मिली। ये नई हड्डी या गला हुआ मांस पिछले मिले हुए अवशेषों से कहीं बदतर हालत में था। सभी सिपाही उल्टी करते हुए इस जगह से दूर भागते हुए दिखाई दे रहे थे। कॉर्पोरल लॉरेंस पहला सिपाही था जिसे वहाँ पर वो गड्ढा दिखाई दिया था। वो छोटा सा छेद था, छेद की गहराई 4 फीट से ज़्यादा की नहीं होगी, लेकिन उस छेद के अंदर का अंधेरा उसके अंदर की जांच करने से रोक रहा था। प्राइवेट डिक्सन वहाँ कॉर्पोरल की थोड़ी सी दूरी पर ही खड़ा था जब उसने कॉर्पोरल लॉरेंस का पैर फिसलते हुए
और कॉर्पोरल लॉरेंस को उस छेद में सर के बल गिरते हुए देखा। बाद में पूछे जाने पर प्राइवेट डिक्सन को कुछ नहीं पता था कि लॉरेंस के साथ उन 2 मिनट में क्या हुआ जब वो उस गड्ढे में गिरा हुआ था। डिक्सन ने बताया कि उस गड्ढे के अंदर देखने पर कुछ नज़र तो नहीं आ रहा था और कोई भी रोशनी उस अंधेरे में 1 फीट से ज़्यादा आगे का कुछ नहीं दिखा रही थी। वहाँ पत्थरों की, कीड़ों की और किसी अजीब से पानी की इधर उधर हिलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जब प्राइवेट डिक्सन ने मदद के लिए सिपाहियों को आवाज़ लगाई तभी उस गड्ढे में से बहुत ही तेज़ी से एक बदबूदार गंध आने लगी और मदद के लिए आए सिपाहियों ने उसे गड्ढे के साइड में उल्टी करते हुए पाया। और सिपाहियों के वहाँ पहुँचते ही उन सभी ने उस अंधेरे गड्ढे में से एक हाथ को उभरता हुआ देखा। उन सिपाहियों ने अपनी बंदूकें उसी हाथ पर तान दी और उस गड्ढे में जो कोई भी था उसे खुद को पहचानने के लिए चिल्लाने लगे। उनके देखते ही देखते उस गड्ढे में से दूसरा हाथ उभरा और धीरे धीरे कॉर्पोरल लॉरेंस का सफ़ेद पड़ा कांपता हुआ चेहरा उस गड्ढे से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। लॉरेंस का पूरा शरीर उस काले कीचड़ से लदा हुआ था जब वो खांसते और ज़ोर ज़ोर से हाँफते हुए उस गड्ढे से बाहर निकल आया। गड्ढे से बाहर निकलते ही वो ज़ोर ज़ोर से वही काले रंग की कीचड़ से भरी उल्टी करने लग गया। उसकी आंखें चौड़ी होकर इधर उधर घूरे जा रही थी। उसका पूरा शरीर मरी हुई मछली की तरह लंगड़ा गया था। सिपाही अब इससे ज़्यादा नहीं झेल सकते थे। कॉर्पोरल लॉरेंस के शरीर को उठाते हुए बिना छुप छुपाए वो सभी वहाँ से वापसी दौड़ने लगे। वो सभी पहली बार इतनी तेज़ी से दौड़े होंगे और बेस कैंप पर हाँफते और कांपते हुए पहुँचे। एक सिपाही जिसने एक पत्थर को जर्मन सिपाही के सर पे बार बार मार के मारा था वो भी इस समय जमीन पर गिर के रोने लग गया था। कमांडर्स ने इन सभी सिपाहियों को बाकी उसे अलग टेंट में डाल दिया और जिस किसी की भी हालत सही थी उससे रिपोर्ट लिखवाने की बातचीत करने लग गए। इस दौरान जो बातें कमांडर्स को बताई गई वो सभी मनगढ़ंत झूठ कह दी जाती मगर इन सिपाहियों की डरती कांपती नज़र सच्चाई बयां कर रही थी। कॉर्पोरल लॉरेंस ने रिपोर्ट के लिए कुछ नहीं बताया। उस घंटे में बिताए समय के बारे में भी उसने कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ यही कहा कि उसका पैर फिसला और वो पानी से भरे एक गड्ढे में गिर गया था। थोड़ी देर तक उससे परेशानी ज़रूर हुई लेकिन कुछ समय में वो वहाँ से बाहर निकल आया। लेकिन इस पूरी घटना से कॉर्पोरल लॉरेंस को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा बल्कि न जाने क्यों वो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था। उस पूरे कैंप में से एक भी सिपाही उस जंग से ज़िंदा नहीं लौटा। हाँ, कुछ सिपाहियों की मौत जंग के दौरान लड़ाई में ही हुई पर प्राइवेट डिक्सन की मौत के साथ ही उस पूरे कैंप में एक अजीब सी बीमारी फैलने लगी। जिस किसी को भी ये बीमारी होती उसका मांस हड्डियों तक खुद ही फटने लग जाता था। रात तक तंदुरुस्त सिपाही सुबह उठकर अपना मांस गला हुआ पाने लगे जिसमें से काले रंग का कीचड़ बह रहा होता था। कॉर्पोरल लॉरेंस पे कई कंप्लेंट्स के बाद उसे फ्रांस के मेंटल हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसका व्यवहार दिन भर दिन बदतर होए जा रहा था और अब वो बाकी लोगों से अंधेरे में सुनाई देती आवाज़ें और मांस के पन्नों से बनी किताबों की जैसी भयानक बातें करने लग गया था। वो कई बार अपने कमरे से गायब हो जाता और घंटों बाद हॉस्पिटल के किसी कोने में मिलता। बंद कमरे से वो बाहर कैसे निकलता पूछे जाने पर वो बस खुद से बनाया एक गाना गुनगुनाने लगता था। उसके कमरे में से हमेशा एक अजीब सी मिट्टी, आग और पसीने की मिली जुली बदबू सी आती थी। वो जहाँ भी जाता था उसके बेस कैंप में फैली बीमारी उस जगह पर भी फैलने लग जाती थी। उसको काफ़ी बार एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने की कोशिश की गई लेकिन उसके ऊपर कोई भी कागजी कार्रवाई ना होने के कारण इसमें भी काफ़ी दिक्कत आती थी। यहाँ तक कि कॉर्पोरल लॉरेंस का बर्थ सर्टिफिकेट तक नहीं था। इस सब के दौरान भी लॉरेंस घंटों तक बस चौकड़ी मार कर एक जगह पर बैठा रहता था और बीच बीच में कोई गाना गुनगुनाता रहता था। नवंबर का महीना चल रहा था जब एक रात 3 बजे हॉस्पिटल की एक नर्स अपनी ड्यूटी ख़त्म होने से और दूसरी नर्स के वहाँ आने से 5 मिनट पहले ही एक कमरे से निकल गई और उस रात उस कमरे में से कॉर्पोरल लॉरेंस और 18 लोग अचानक ही गायब हो गए। उस पूरे कमरे में तेल, जंग और सड़ने की बदबू फैल गई थी। सभी बिस्तर और दीवारें उसी काले कीचड़ से भरे हुए थे। पहले तो उनमें से किसी भी इंसान का कोई नामो निशान नहीं दिखाई दिया लेकिन जब तलाशी लेते हुए एक नर्स ने बिस्तर को उसकी जगह से हिलाया तो उस बिस्तर के नीचे जो था उसको देखकर उस नर्स की चीख निकल गई।
उस बिस्तर के नीचे गोल चक्कर में 100 से भी ज्यादा दांत पड़े हुए थे। उन दांतों को गिनने पर यह पता चला कि दांत उतने ही हैं जितने गायब हुए लोगों के मुंह में होंगे, सिवाय एक आदमी के। कॉर्पोरल लॉरेंस को और उन 18 लोगों को दोबारा कभी नहीं देखा गया। इस घटना को वर्ल्ड वॉर की बाकी घटनाओं ने छुपा लिया और सभी लोग इसे जल्द ही भूल भी गए। लेकिन फिर भी अजीब मौत, अचानक गायब हुए सिपाही और कुछ दिन बाद उनका मानसिक रूप से बदल कर मिलना, अजीब काली परछाइयों का पीछा करना और ऐसी कई भयानक कहानियों का आना बंद नहीं हुआ। उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। ये कहानी बनाने के लिए मुझे कई सारी नई चीज़ें सीखनी पड़ी और बहुत ही ज़्यादा समय लगाना पड़ा। ये बहुत ही मुश्किल वीडियो थी और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ इसे जितना शेयर हो सके शेयर करें। और अगर आपको फ्यूचर में ऐसी और एनिमेटेड वीडियोस देखनी है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए अलविदा और आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी।